अस्सलामुअलैकुम क्लास, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? किसी ऑपरेशन को चलाते हैं किसी स्पेसिफिक किसी ख़ास काम के लिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। एप्लीकेशन के दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक पैकेज सॉफ्टवेयर और एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। अब पैकेजेस सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होता है? पैकेजेस आर जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड फॉर यूज़र टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट। सच सॉफ्टवेयर आर कॉल्ड एप्लीकेशन पैकेजेस। ठीक है, अब वो किस तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं जो जनरली इस्तेमाल में सबके इस्तेमाल में होते हैं? मतलब एक क्राइटेरिया बन गया कि जी वर्ड टाइपिंग के लिए वर्ड प्रोसेसर यूज़ करेंगे, अकाउंट्स की शीट्स बनाने के लिए स्प्रेडशीट यूज़ करेंगे, प्रेजेंटेशंस और ग्राफिक्स का काम करने के लिए अडोब यूज़ करेंगे या हम पावर पॉइंट यूज़ करेंगे, और वीडियो देखने के लिए हम प्लेयर यूज़ करेंगे। तो ये एक स्पेसिफिक टास्क के लिए जनरली यूज्ड एप्लीकेशन पैकेज सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इट इज़ यूज टू प्रोसेस टेक्स्ट टू क्रिएट ऑर्गेनाइज डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। वर्ड प्रोसेसर में क्या करते हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, और उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या वर्ड। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स हेल्प इन डूइंग अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल टास्क। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में क्या करते हैं, हम अकाउंटिंग और फाइनेंशियल टास्क को हम पूरा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, लोटस 1-2-3। ये पुराना वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट से, पहले जो यूज़ होता था वो लोटस 1-2-3 होता था, और अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या एक्सेल के नाम से ये स्प्रेडशीट यूज़ होती है। प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, इट इज़ यूज टू क्रिएट प्रेजेंटेशन बाई इंक्लूडिंग टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, साउंड, वीडियो। प्रेजेंटेशन में वीडियो भी होती है, एनिमेशन भी होती है, ग्राफिक्स भी होता है, टेक्स्ट भी होता है, पिक्चर्स भी होते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट या पावर पॉइंट। ठीक है, फिर आ गया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज़ कॉल्ड DBMS। DBMS इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑफ अ डेटाबेस। इट इज़ यूज टू हैंडल लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा स्टोर्ड इन अ डेटाबेस, फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। अब ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में क्या होता है, हम डेटाबेस बनाते हैं और इस डेटाबेस के थ्रू हम एक किसी भी अपनी रिक्वायरमेंट के तहत हम एक छोटा सा प्रोग्राम हम इसमें अपनी एक छोटी सी एप्लीकेशन प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं डेटाबेस के तौर पर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होता है? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इज़ मेड एज पर द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर वो होता है जो ऑर्गेनाइजेशन की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पे बना हुआ होता है। जस्ट लाइक जैसे हमारे स्कूल में एक सिस्टम यूज़ होता है जो फ़ी वाउचर होता है, यानी फ़ीस का या रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, वो क्या है, कस्टमाइज है। ठीक है, फिर इसी तरीके से आप जैसे जाते हैं क्या अपना इम्तियाज़ जाते हैं, वहाँ जो वो कंप्यूटर में एंट्री कर रहा होता है वो क्या कर रहा होता है, वो सेल रिकॉर्ड कर रहा होता है, तो वो उसका कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है। वो जर्नल बेस्ड सॉफ्टवेयर आपको हर जगह अवेलेबल नहीं मिलेगा, वो जर्नल बेस्ड सॉफ्टवेयर नहीं है, जर्नली यूज सॉफ्टवेयर नहीं है, वो स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर है उनका। ठीक है, स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का हम दूसरा नाम क्या देते हैं, वो टेलर मेड होता है। जैसे टेलर आपके कपड़े सीता है, एक होता है जर्नल यूज्ड स्टिचिंग वाले कपड़े जो आपके हर नाप के मिल जाते हैं, एक होता है आपकी अपनी टेलर से आप सिलवाते हैं, अपने अंदाज से सिलवाते हैं कि मुझे ऐसा सिलवाना है, उसको हम क्या कहते हैं, टेलर मेड। तो इसी तरीके से कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में जब कोई सॉफ्टवेयर को आप कस्टमाइज कराते हैं तो उसको हम टेलर मेड सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। सॉफ्टवेयर मेड फॉर होटल मैनेजमेंट सिस्टम वुड बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एन एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम। अब आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया जा रहा है कि एक होटल मैनेजमेंट का जो सॉफ्टवेयर है या होटल रिजर्वेशन का जो सॉफ्टवेयर है वो टोटल डिफरेंट है एयरलाइन टिकटिंग रिजर्वेशन में।
दोनों में चीज़ क्या बुक हो रही है, रिजर्व कर रहे हैं आप कोई चीज़, कमरा आप बुक करवा रहे हैं, सीट आप बुक करवा रहे हैं, लेकिन दोनों के रिजर्वेशन मेथड्स और दोनों की जो आउटपुट है वो डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है, इनपुट और आउटपुट दोनों डिफरेंट है, ठीक है। तो जो टिकट रिजर्वेशन का सिस्टम है वो टोटली डिफरेंट है, जो होटल मैनेजमेंट का सिस्टम है वो टोटली डिफरेंट है। तो ये हो गया कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। यहाँ आपका चैप्टर नंबर 7 एंड होता है, ठीक है। इसके क्वेश्चंस के लिए ये है कि आपने जो है एक सवाल लिखना है, डिस्क्राइब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और इसमें ये पूरा सवाल का आंसर जो है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर तक आंसर दे देना है, प्लस इसके छोटे क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, व्हाट डू यू नो अबाउट पैकेजेस, ठीक है, इसको डिस्क्राइब करना है, और व्हाट डू यू नो पैकेजेस जब आप करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रेजेंटेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो ये आपके टोटल 3 सवाल बन गए यहाँ तक के, और ये आपका यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 7 ख़त्म हो गया। थैंक यू क्लास।